वेलकम टू रमन ऑनलाइन क्लासेस। ये करंट अफेयर्स 2020 सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस को अभी हाल में ही स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आपको बताना है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, साक्षी तनवर, अनुष्का शर्मा, विद्यावाला। जो है अनुष्का शर्मा इसका सही आंसर है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का वह पहला कौन सा कंट्री है जहां फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो देखिए, बी नंबर इसका आंसर है, वो है आयरलैंड। क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट अभी रिसेंटली अपने बोर्ड एग्जाम में थर्ड जेंडर कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है। तो देखिए, आंसर है बिहार, बी नंबर। क्वेश्चन है, भारत अभी रिसेंटली कौन से कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है जो कि भारतीय रेलवे के सेफ्टी रिलेटेड सब्जेक्ट को देखेगा। तो देखिए, यह है इटली, बी नंबर। क्वेश्चन है, फोर्थ भीमस्टेक समिट 2017 कहां पे आयोजन होगा। तो देखिए, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेरा सही आंसर है नेपाल। नेपाल में आयोजन इसका किया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट जहां पहला सोशल इनोवेशन हब लॉन्च किया गया, आपको वो स्टेट का नाम बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है तेलंगाना। यदि बोले तेलंगाना के अंदर कौन से शहर में आयोजन होगा, वो है निजामाबाद। निजामाबाद में आयोजन किया गया। हाँ, क्वेश्चन है, कौन सा कंट्री ने D5 FC मिसाइल सक्सेसफुली अभी टेस्टेड किया है, उस कंट्री का नाम बताना है आपको। देखिए, उसका सही आंसर है चाइना। क्वेश्चन है, अभी वर्ल्ड बैंक के साथ यूनियन गवर्नमेंट ने कितने मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है जो कि TEQIP3 के लिए होगा। तो वो आंसर है बी नंबर, 201.50। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर होगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे इसका थीम क्या है, थीम है वी कैन आई कैन। हाँ, क्वेश्चन है, HRD मिनिस्ट्री ने अभी हाल में ही एक नया डिपार्टमेंट सेटअप करेगा, उसका नाम बताना है आपको। वो डिपार्टमेंट का नाम क्या है, देखिए, वो डिपार्टमेंट का NTA शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बी नंबर। क्वेश्चन है, समग्र ग्राम उन्नयन योजना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है। तो देखिए, इसका आंसर है असम, असम ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन है, 31st सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए, ये हरियाणा में आयोजन हो रहा है इसका, तो हरियाणा के कौन से शहर में आयोजन होगा, ये फरीदाबाद में इसका आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने किस इंडियन फीमेल सिंगर के साथ अभी एक कोलैबोरेट किया है जो कि महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए होगा। तो वो कौन सी सिंगर है, वो है नीति मोहन। वो किसके अंदर आता है, तो देखिए, ये UNODC के अंदर आता है। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर यदि पूछेगा तो वो वियना में है।
क्वेश्चन है, आपको कंट्री का नाम बताना है, वह कौन सा कंट्री है जहां पे भी हाल फिलहाल में आरटीआई एक्ट इफेक्ट में आया। तो देखिए वो कंट्री का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका में आरटीआई एक्ट अभी इफेक्ट में आया है। हाँ क्वेश्चन है, इंग्लैंड के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अभी सीबीई अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए वो कुक हैं, पहला ऑप्शन है, पहला आंसर है इसका। क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा शहर जहां की अभी FIBA वुमेन्स एशिया कप होस्ट हो रहा है, वहां पे उस शहर का नाम बताना है आपको। तो वो है बेंगलुरु, ए नंबर। हाँ क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के वे कौन से शहर हैं जहां पे इंडिया का पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन लॉन्च हुआ, उस शहर का नाम बताना है आपको। तो देखिए वो गुंटूर, गुंटूर में। क्वेश्चन है, उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में 5 पायलट ब्रांच कौन से शहर में ओपन किया। तो देखिए आंसर है इसका बेंगलुरु। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, इस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है। तो देखिए इसके एमडी एंड सीईओ है समित घोष। अब पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में है। इसका टैगलाइन क्या है, बिल्ड ए बेटर लाइफ इसका टैगलाइन है। इस सीरीज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एनएसई ने अभी न्यू एमडी सीईओ किन्हें बनाया है। तो देखिए इसका पहला जो है विक्रम लिम्बे, उनको बनाया है। हाँ दोस्तों, ये थे 2020 सीरीज के पहला वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। थैंक यू।